जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी SSSC की पिट एग्ज़ाम की नोटिस आज आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आज जो है जारी कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन आपका आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो गया है, यानी 28/6/2022 से। इसके अलावा जो आपकी इसकी लास्ट डेट होगी वो 27/7/2022 होगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास लगभग 30 दिन का समय है, एक महीने का। इसके अलावा आप लोगों का जो शुल्क जमा करने का और आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो गई है उसको संशोधित करने की जो तिथि होगी वो आपकी 3/8/2022 होगी। आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर आपने आवेदन में कुछ भी गड़बड़ी कर दी है तो आप उसको सुधार सकें, है ना। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आपको बता दूं इसमें आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड नंबर पर आप लोग जो है अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे, और इसके अलावा जो है आपका जो फॉर्म में नेक्स्ट आपका जो विवरण रहेगा उसको आप लोग फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है, फीस का जो है आप लोगों को जो है भुगतान करना है। फीस आप लोग पेमेंट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इतना सब करने के बाद में आपका जो फॉर्म निकल के आएगा उसका आप लोग प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रोसेस, ये जितना भी प्रोसेस है ये आप एक ही बार में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो नेक्स्ट डे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और उसके 24 घंटे बाद आपको जो है फीस वगैरह भरना है। ये सब आप जो है तुरंत का तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फीस की। तो फीस की आप लोगों को पता है कि जो आपका टोटल जनरल वर्ग का है उसका जो आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 है और आवेदन शुल्क 160 रुपये। कुल मिला के जनरल वाले कैंडिडेट को जो है 185 रुपये का भुगतान करना है। सेम आपका OBC के लिए रहेगा, 185 रुपीज़ आपको भी पे करने होंगे। SC और ST के लिए जो है थोड़ी सी छूट रहेगी, उनको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, SC और ST को। इसके अलावा जो आपके दिव्यांगजन हैं जिन्हें विकलांगजन भी बोलते हैं उनको जो है सिर्फ 25 रुपये मात्र भुगतान करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी अर्हता के बारे में, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष हों या फिर उससे उच्च कोई भी आप ग्रेजुएट हों, PG हों, BTEC किया हो, MTEC किया हो, आप कुछ भी कर रखे हों, आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन हाई स्कूल मस्ट है, यानी जो सबसे न्यूनतम आपका जो मापदंड है वो हाई स्कूल है, 10th क्लास जो है आपका पास होना ज़रूरी है। फिर अगर हम लोग इसकी आयु सीमा की बात करें तो जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2022 तक जो है 18 वर्ष के हो चुके हैं वो लोग जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु जिनकी है वो लोग जो है इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके सिलेबस के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सिलेबस का वीडियो मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा। अभी तक आप लोगों को सभी लोगों ने बताया होगा इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको पिछले पेपर का जो है निचोड़ बताऊँगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठे थे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा जो सिलेबस से रिलेटेड होगा। बाकी इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे सीधे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी है मेरी UPSSCLecturesOnline@gmail.com, इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।